नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का आखिरी दिन करीब है। 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने ना करने पर ₹5,000 जुर्माना भरना होगा। इसके साथ ही इस बार इनकम टैक्स की नजर आपकी तरफ से मांगी जाने वाली छूट पर भी है। ये छूट ₹1,50,000 तक की 5 साल की FD, PPF वगैरह पर मिलती है। इसके अलावा मकान किराए की भी एक हद तक इनकम टैक्स विभाग छूट देता है। पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि इनकम टैक्स विभाग ने 1,00,000 लोगों को नोटिस भेजा है। इन नोटिस पर अगले साल यानी 2024 के मार्च तक सभी पर कार्रवाई खत्म की जाएगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी कि इनकम टैक्स विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जरिए इस बार और पिछले 6 साल के टैक्स रिटर्न की छानबीन कर रहा है। इसके बाद अगर कोई शक होता है तो टैक्स पेयर को नोटिस भेजा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों ने मकान किराया ज्यादा बताकर इनकम टैक्स में छूट मांगी है, उनके रिटर्न को अच्छे से खंगाला जा रहा है। पुराने रिटर्न निकाल कर उनके हर साल की आय, बचत, खर्च को भी इनकम टैक्स देख रहा है। ऐसे में हमारी सलाह है कि इनकम टैक्स से अपनी कोई भी जानकारी ना छिपाएं और अपने पास किराए की रसीद, बचत के पुराने दस्तावेजों की कॉपी जरूर रखें। इनकम टैक्स विभाग पिछले 10 साल का ब्यौरा किसी भी टैक्स पेयर से किसी भी वक्त मांग सकता है। बाद में इसे घटाकर 6 साल किया गया। ऐसे में हर टैक्स पेयर को बीते 6 साल के रिटर्न, आय, खर्च को देखते हुए उसे विभाग कभी भी नोटिस भेज सकता है। इस नोटिस पर फेसलेस सुनवाई होती है, यानी जांच करने वाले अफसर से टैक्स पेयर को आमना सामना नहीं करना होता। अगर आपको लगता है कि इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलती रह गई है तो पिछले 2 साल तक भरे गए रिटर्न में आप संशोधन कर जरूरी टैक्स भी ब्याज समेत चुका सकते हैं। इससे देश को विकास के काम के लिए जरूरी धन तो मिला ही है, साथ ही बतौर करदाता आप भी पाक साफ रह सकते हैं। तो ये थी इनकम टैक्स से जुड़ी जानकारी, यानी 31 जुलाई तक आखिरी दिन है। और अब इसके अलावा जो भी आप इसमें छूट लेते हो, पिछले 6 साल के रिकॉर्ड, आय, बचत की रसीद आपके पास जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स आपसे उसकी जानकारी किसी भी वक्त मांग सकता है। अगर आपके पास कोई फॉल्ट उसमें निकलता है, आपने कुछ जानकारियां पहले छुपाई होंगी, तो आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। तो ये थी पूरी जानकारी इनकम टैक्स से जुड़ी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।